ओके, चैप्टर नंबर 32, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। फर्स्ट वी विल सी द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर द 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 30 ओम, लिस्ट ऑल द डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेज यू कैन ऑब्टेन यूजिंग देम। सीरीज़ में लगा देंगे तो 30 + 30 + 30 90 हो जाएंगे, पैरेलल में लगा देंगे तो 30/3 10 रह जाएगा। दो सीरीज, दो पैरेलल में एक सीरीज में, पैरेलल वाले का R1 R2 / R1 + R2 और प्लस उसका जो नेट आएगा 30 के साथ सीरीज में, इट कम्स 45। दो सीरीज एक पैरेलल, तो इसका 60 हो जाएगा दोनों का, 60 एंड 30 के साथ पैरेलल, 60 × 30/90 तो इसका 20 आ जाएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। इज देयर एनी इलेक्ट्रिक करंट, इफ यस इन विच डायरेक्शन। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उधर ही करंट फ्लो होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इलेक्ट्रोलाइट द पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे तो करंट इधर ही हो गया, एंड नेगेटिव आयंस राइट टू लेफ्ट, इधर करंट फिर से इधर ही हो गया, करंट विल बी लेफ्ट टू राइट, करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज इन टीवी ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रियर टू फ्रंट, रियर से फ्रंट जाते हैं इधर, है ना, तो करंट अपोजिट होगा फ्रंट टू रियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाई दिस, VD इज इक्वल टू ΔL/ΔT, वे ΔL इज द डिस्टेंस ड्रिफ्टेड इन अ लॉन्ग टाइम ΔT। वाई डोंट वी डिफाइन द ड्रिफ्ट स्पीड एज ए लिमिट ऑफ ΔL/ΔT एज ΔT टेंस टू 0। तो देखो ΔL क्या है यहाँ पर, ΔL इज द डिस्टेंस ड्रिफ्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सपोज यहाँ ये इनिशियल पॉइंट लिया ऐसे से घूम के रेड वाला, ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया इधर नेगेटिव, तो इसका पाथ अभी इन प्लेस ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस, थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, बाउंस बैक होके कोलाइड होकर फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो अल्टीमेटली इतना ΔL, ये ΔL है आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी स्मॉल ड्रिफ्ट, तो ΔL विच विल बी नेग्लिजिबल इन स्मॉल टाइम इंटरवल, कम टाइम लिया तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो दैट विल नॉट गिव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, पॉजिटिव एंड की तरफ एवरेज वेलोसिटी विद विच इट विल ड्रिफ्ट अलॉन्ग द पॉजिटिव एंड, है ना, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया तो इधर ड्रिफ्ट हो जाएगी, ऑफकोर्स इट विल ड्रिफ्ट, स्लाइट ड्रिफ्टिंग विल बी देयर लाइक दिस, बट इट इज स्मॉल, इतना ही है देखो, इन दिस मच ओनली, फिर थोड़ा सा बढ़ गया इतना यहाँ पर, फिर और बढ़ा थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा और बढ़ा ऐसा लाइक दिस। ऑलराइट, वन ऑफ योर फ्रेंड्स आर्ग्यूज दैट ही हैज रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट देयर कैन बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर एंड हेंस देयर कैन बी नो करंट थ्रू इट। What is the fallacy in this argument? So there, in case of electrostatics, when field enters in the conductor, free electrons are moving in such a way that net field becomes zero inside. But here, the situation is different. Continuous, we are applying the field across the two ends of the conductor like this, field lines are continuously inside and we are connecting it to the battery also, hai na, so potential difference or field remains continuous inside the conductor and hence which forces the electrons to move in particular direction and hence current flows. So here battery is connected to the conductor and therefore
field lines are present inside. It is therefore situation is different here. All right. So next question dekhenge abhi. When the current is established in the wire, the free electrons drift in the direction opposite to the current. Does the number of free electrons in the wire continuously decrease? No. Whatever the number of electrons comes out, these many electrons enters. They will come from the negative terminal of battery. So no, same number of electrons will enter from other end of the conductor. There will not be decrease. ठीक है. A fan with the copper winding in its motor consumes less power as compared to otherwise similar fan having the aluminium winding. तो copper has less resistance. All right. तो in fact this is the question of AC, alternating current का question है. तो copper का resistance कम होता है, उसकी जो motor की winding होगी उसका हाई इंडक्टेंस होगा. देयरफॉर इट विल बी नियरली आइडियल इंडक्टर विच कंज्यूम्स नेग्लेजिबल पावर. आइडियल इंडक्टर नेग्लेजिबल पावर कंज्यूम करता है. ठीक है. तो ये एसी में जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे. बट लेस रेजिस्टेंस मीन्स मोर इंडक्टेंस हियर. ठीक है. क्लोज टू द आइडियल इंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन में सी the thermal energy developed in the current carrying resistor is given by this formula and also this formula. Should we say that U is proportional to I square or to I? In fact it is I square, because in second case there is a current included in the voltage here. V is equal to IR. So yahan par ek IR hoga, फिर आई एफ टी है, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर कांस्टेंट है ये, यहाँ पर ये वेरिएबल है, भी आई उसमें हिडन है. कंसीडर सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल बैटरी कनेक्टेड टू रेजिस्टर्स. डू वर्क डन बाय द बैटरी एंड द थर्मल एनर्जी डेवलप रिप्रेजेंट टू नेम्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी. Yes, work done by battery will be equal to Q into V, which is nothing but Q is equal to IT and V is IR. This is equal to I square RT. This is the work done by battery. This is the heat energy. All right. Is the work done by the battery always equal to the thermal energy developed in the electric circuit? What happens if capacitor is connected to the circuit? The answer is no. In case of capacitor, we can see half of the work done by the battery, which is total work done by battery is QV. Half of this is the energy stored in the capacitor, and half will be as a consumed as a or liberated as a thermal energy. 50% थर्मल एनर्जी बन जाएगा और 50% स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन आइडियल बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर. इज द वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द रजिस्टर. डज योर आंसर डिपेंड्स इफ द बैटरी इज आइडियल. फर्स्ट केस में नो, बिकॉज सम थर्मल energy will be developed in the internal resistance. Internal resistance may be consume होगी कुछ energy. And does your answer change? Yes, ideal है तो internal resistance होगा नहीं, पूरी की पूरी thermal energy में convert हो जाएगी. Work done by the battery. All right. The next question is, sometimes it is said that heat is developed in the resistance when there is an electric current in it. Recall that heat is defined as the energy that is transferred due to the temperature difference. Is the statement under quotes technically correct? Yes, statement technically correct hai. Answer is yes. Here heat is
डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एनर्जी लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस, दैट कन्वर्ट्स इनटू हीट। तो हीट इज डेवलप्ड इनसाइड, नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैटरी। ऑलराइट, वी ऑफन से करंट इज गोइंग थ्रू द वायर। व्हाट डज, व्हाट गोज थ्रू द वायर इज चार्ज और करंट? इट इज चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वुड यू प्रेफर ए वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ बैटरी? आंसर इज पोटेंशियोमीटर, बिकॉज पोटेंशियोमीटर, इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर व्हेन बैटरी इज बैलेंस नो करंट फ्लोस इन द बैलेंस कंडीशन, तो दैट इज द कंडीशन फॉर मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ जो है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फ्लोस। वोल्टमीटर में क्या होगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग मोमेंट वी कनेक्ट द बैटरी, तो वोल्टमीटर के थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। पोटेंशियोमीटर में बैलेंस कंडीशन हो जाती है। ऑलराइट, डस कंडक्टर बिकम्स चार्ज्ड व्हेन करंट इज पास थ्रू इट? नो, अगेन व्हाट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर दैट मेनी विल गो आउट। इफ इनिशियली कंडक्टर इज न्यूट्रल इट विल रिमेन न्यूट्रल, तो न्यूट्रल रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। कैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी बी ग्रेटर देन ईएमएफ? यस, व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड, तब जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इट विल बी ईएमएफ प्लस आईआर। किरचॉफ लॉ से वी कैन प्रूव इट, इट विल ग्रेटर देन ईएमएफ। व्हेन डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। ऑलराइट, विल कंटिन्यू विद इन द लेस स्ट्रक्चर, विल कंटिन्यू विद द ऑब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव टू।